खबरों में बात करते हैं। अगली खबर की फैजाबाद की पर्वतिया कॉलोनी इलाके में स्टेट क्राइम हेल्पलाइन की टीम ने छापेमारी करते हुए बाल मजदूरी कर रहे 7 बच्चों को मुक्त कराया है। बच्चे पर्वतिया कॉलोनी इलाके में एक वर्कशॉप में काम कर रहे थे, जिसकी सूचना स्टेट क्राइम चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को मिली थी, जिसके बाद टीम ने छापेमारी कर बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए मुक्त कराया। फिलहाल स्थानीय पुलिस इस मामले में आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें फरीदाबाद की पर्वतिया कॉलोनी इलाके की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से एक वर्कशॉप में कुछ बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही थी, जिसकी सूचना फरीदाबाद की स्टेट क्राइम चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को मिली। और इस सूचना के आधार पर स्टेट क्राइम चाइल्ड हेल्पलाइन की अगुवाई करते हुए SIA अमर सिंह ने पर्वतिया कॉलोनी चौकी पुलिस को साथ लेकर जब इस वर्कशॉप पर छापेमारी की तो पाया गया कि वहां 7 बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे, जिन्हें वहां से मुक्त कराने के बाद SIA अमर सिंह ने कंपनी संचालक के खिलाफ पर्वतिया कॉलोनी चौकी को कार्यवाही करने के लिए लिखित शिकायत दी है। अब पर्वतिया कॉलोनी चौकी पुलिस बाल मजदूरी व अन्य कई धाराओं के तहत ये मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट चुकी है। पर्वतीय कॉलोनी चौकी के एरिया में प्रयांश नाम से कंपनी चल रही है, वर्कशॉप चल रही है, तो उसमें चाइल्ड लाइन की टीम और हमारी स्टेट क्राइम की टीम ने लोकल पुलिस को सूचना दी, उनको साथ लेकर उस वर्कशॉप पर छापा मारा, जहाँ 7 बच्चे हमें काम करते हुए नाबालिग जो बच्चे थे वो काम करते हुए मिले, उनको रेस्क्यू करके हमने लोकल पुलिस के हवाले किया है और बाकी जो आगामी कार्रवाई लोकल पुलिस के माध्यम से आयोग के माध्यम। आज हमें बजरी टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि एक वर्कशॉप प्रियांश वर्कशॉप में 7 बच्चे काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे, जहां पर मैंने व स्टेट क्राइम की टीम ने व चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने वहां पर छापा मारा, जहां पर 7 बच्चे काम करते हुए पाए गए, जिनको हमने कब्जे में ले लिया और मेंबर चाइल्ड हेल्पलाइन ने हमें दरखास्त दी, उस पर कार्रवाई चल रही है।